स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 10 विज्ञान, जो पाठ 16 के प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेके हम आए हैं, और इसके पहले भी विज्ञान से कई पाठ हम बहुविकल्पी प्रश्न चैनल पर डाल चुके हैं। अगर आप ना देखे हों तो वहाँ जाके अवश्य देख लीजिएगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि और लोगों का फ़ायदा हो सके। तो इसमें आज पहला सवाल है, गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी? पहला है 1980, दूसरा है 1985, तीसरा है 1990, और चौथा डी वाला है 1975। तो इसमें जो गंगा सफाई योजना लागू की गई ये 1985 की योजना है, इस वजह से पहला का बी सही हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि कोली फार्म समूह है, तो कोली फार्म जो समूह है ये कौन सा है? ए है विषाणु का, बी है जीवाणु का, सी है प्रोटोजोआ का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कोली फार्म जो होता है ये मानव के आँत में पाए जाते हैं, और मानव के आँत में जो पाए जाते हैं वो जीवाणु से संबंधित है, इस वजह से ये बी वाला सही हो जाएगा। दूसरा का बी, तो जीवाणु का। तीसरा क्वेश्चन है कि जैव विविधता के तप्त स्थल मतलब हॉट स्पॉट कौन है? जैव विविधता के तप्त स्थल कौन है? ए है ज्वालामुखी, बी है सागर, सी है वन, और डी है नदियाँ। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जैव विविधता के जो तप्त स्थल हैं वो वन है, वन मतलब जंगल, इस वजह से तीसरा का सी सही हो जाएगा। चौथा सवाल है, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो पहला है वनोन्मूलन हेतु, दूसरा है वनों के निवास को रोकने के लिए, तीसरा है जीव संरक्षण हेतु, डी है जल संरक्षण हेतु। तो अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है वो जीव संरक्षण हेतु किया जाता है, जीवों का संरक्षण। तो इस वजह से चौथे का सी सही हो जाएगा, चौथे का सी। पांचवा क्वेश्चन है कि प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण हेतु 3R तकनीक का तात्पर्य है, इम्पॉर्टेंट सवाल है। 3R मतलब 3 बार R। तो देखिए, पहला है कम उपयोग पुनः चक्रण तथा पुनः उपयोग, जिसको हम रिड्यूज, रिसाइकिल, रीयूज। दूसरा है पुनः चक्रण, पुनः उत्पादन तथा प्रतिक्रिया, रिसाइकिल, रीजनरेट, रिएक्ट। सी है पुनः उत्पादन, प्रतिक्रिया तथा जनन, रीजनरेट, रिएक्ट, रिप्रोड्यूस। और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह से देखा जाए जो इसमें सही उत्तर है वो ए वाला है, रिड्यूज, रिसाइकिल, रीयूज। तो ये सवाल जो है पांचवा का ए वाला सही हो जाएगा। छठवां सवाल है कि चिपको आंदोलन से मिलने वाला महत्वपूर्ण संदेश कौन सा है? चिपको आंदोलन से मिलने वाला महत्वपूर्ण संदेश कौन सा है? तो ए है वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना, बी है वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय की उपेक्षा करना, सी है विकास कार्यक्रमों के लिए वन के वृक्षों को काट डालना, डी है सरकारी एजेंसियों को निर्वियात रूप से यह अधिकार होता है कि वे वनों के वृक्षों को काटने के लिए आदेश दे सके। तो इसमें जो चिपको आंदोलन से जो महत्वपूर्ण संदेश जाता है वो वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना। तो ये हो जाएगा छठवें का ए सही है, इसमें छठवें का ए सही है। सातवां क्वेश्चन आता है कि गंगा जल प्रदूषण का कारण है, गंगा जल प्रदूषण का कारण है। ए है नगरों द्वारा उत्सर्जित कचरा और मल, बी है उद्योगों द्वारा उत्पादित रसायनों का निपटान, और सी है सौं को गंगा में बहाना, और डी है उपर्युक्त सभी। तो जो गंगा जल प्रदूषण का कारण है वो तीनों है, ये उत्सर्जित कचरा मल भी है, उत्पादित रसायनों का निपटान भी है, और सौं को गंगा में बहा देना ये भी है। तो उपर्युक्त सभी, इस वजह से सातवें का ये डी सही हो जाएगा, सात का डी। आठवां क्वेश्चन है कि जल संरक्षण की खादिन तकनीक
का प्रयोग किया जाता है? तो खातिन तकनीक का जो प्रयोग किया जाता है, ए है उत्तराखंड में, बी है राजस्थान में, सी है हिमाचल प्रदेश में, डी है उत्तर प्रदेश में। तो जो इसका उत्तर होगा वो राजस्थान में होगा, बी पर निशान लगा देंगे, आठ का बी। नवा सवाल है कि वन एवं वन जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? वन एवं वन जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? पहला है जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, बी है पर्यावरण को संतुलन करने के लिए, सी है पारिस्थितिक अस्थायित्व के लिए, और डी है उपयुक्त सभी। तो वन एवं वन जीवों को संरक्षण के लिए ये सभी महत्वपूर्ण है, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए भी, पर्यावरण संतुलित करने के लिए भी, और पारिस्थितिक अस्थायित्व के लिए भी। तो इस वजह से ये डी वाला सही हो जाएगा, तो हम डी पर निशान लगा देते हैं, ये उपयुक्त सभी, नौ का डी उपयुक्त सभी। दसवां है कि यूरो सेकंड नामक किसके उत्सर्जन से संबंधित नियम है? यूरो सेकंड नामक किसके उत्सर्जन से संबंधित नियम है? पहला है प्रदूषित जल, दूसरा गैसों के उत्सर्जन, तीसरा है वनों की कटाई, चौथा है कारों की सुंदरता। तो इसमें जो उत्तर होगा ये बी वाला सही होगा, गैसों के उत्सर्जन, ये यूरो सेकंड से संबंधित है, तो इस वजह से ये दसवें का बी सही हो जाएगा। ग्यारहवां क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा है, विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? मतलब विश्व में जो प्राकृतिक संसाधन है बहुत तेजी से घट रहा है वो कौन सा है? तो जल, वन, पवन, सूर्य का प्रकाश। तो जल खत्म होने वाला नहीं है, हवा भी खत्म होने वाला है, सूर्य का प्रकाश भी नहीं, वन, ये वनों की कटाई, जंगलों की कटाई बड़ी तेजी से हो रही है, इस वजह से हम ग्यारहवें के बी पर निशान लगा देंगे, ये बी सही है। बारहवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन गंगा नदी, ईंटें, सीमेंट, पुल। तो ईंटें, पुल, सीमेंट, ये सब तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, प्राकृतिक संसाधन गंगा नदी, ये प्राकृतिक संसाधन है, इस वजह से ये 12 का ए सही हो जाएगा। तेरहवां क्वेश्चन है कि गंगा नदी में कोलीफार्म जीवाणु के प्रचुर मात्रा में पाए जाने का प्रमुख क्या कारण है? इंपॉर्टेंट सवाल है कि गंगा नदी में कोलीफार्म जीवाणु के प्रचुर मात्रा में पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है? पहला है जल में अधजली लाशों का प्रवाहित करना, बी है कपड़े धोना, सी है भस्म को जल में प्रवाहित करना, डी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योगों से निकलने वाले बहिस्रावों का प्रवाहित किया जाना। तो इसमें जो सबसे अच्छा उत्तर है वो जल में अधजली लाशों का प्रवाहित कर देना, ये कोलीफार्म जीवाणुओं को पैदा करता है, इस वजह से ये तेरहवां का ए सही हो जाएगा, तेरहवां का ये सही। अब चौदहवां क्वेश्चन है कि भारत के किस देश में नगर सिंचाई परियोजना को कुल के नाम से पुकारा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, कुल के नाम से पुकारा जाता है, कहाँ, किस देश में, किस प्रदेश में पुकारा जाता है? तो पहला है हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा हिमाचल प्रदेश, और डी वाला मध्य प्रदेश। तो जो भारत में कुल नाम से पुकारा जाता है उस प्रदेश का नाम है हिमाचल प्रदेश, सी पर निशान लगा देंगे, हिमाचल प्रदेश। पंद्रहवां क्वेश्चन है कि जल संरक्षण एक प्रक्रिया है जो संबंधित है, जल संरक्षण एक प्रक्रिया जो संबंधित है, ए है जल नहरों का शाखान्वयन, बी है नदियों का शाखान्वयन, सी है वर्षा जल का संग्रहण, डी है गंदे जल का संग्रहण। तो ये सब तो हो नहीं सकता है, ये जो सी वाला है वर्षा जल का संग्रहण, यही जल संग्रहण की एक प्रक्रिया है, इस वजह से 15 का सी पर निशान लगा देंगे, ये 15 का सी सही है, वर्षा जल का संग्रहण। 16वां क्वेश्चन है कि वनों के दावेदार मतलब स्टेक होल्डर हैं, वनों के दावेदार मतलब स्टेक होल्डर हैं, ये है वन विभाग, बी है स्थानीय व्यक्ति, सी है उद्योगपति एवं प्रकृति प्रेमी संस्थाएं, और डी है उपयुक्त सभी। तो वनों के दावेदार या स्टेक होल्डर जो हैं वो सभी हैं, वन विभाग भी है, स्थानीय प्रकृति भी है, उद्योगपति एवं प्रकृति प्रेमी संस्थाएं भी हैं, तो इस वजह से ये डी सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। 17वां क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून मनाया जाता है, डायरेक्ट निशान लगा दे रहे हैं 5 जून।
अब देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट सवाल हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको भी एक नज़र आप लोग देख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब हैं। तो पहला है कि चिपको आंदोलन 1970 में गढ़वाल जनपद के रेनी ग्राम में प्रारंभ हुआ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य एवं जीव संरक्षण हेतु प्रदान किया जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि अमृता देवी बिश्नोई किस पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध है, तो वन एवं जीव संरक्षण हेतु के लिए है। अगला है पॉइंट कि बिश्नोई लोग खेजरी वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं, ये खेजरी नामक वृक्ष है, इसी के संरक्षण के लिए ये बिश्नोई लोग जो है प्रसिद्ध हैं। और अगला है कुछ फुल फॉर्म दिए गए हैं, UNEP, इसका मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, IUEN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, और MPN का मतलब हो गया मोस्ट प्रोबेबल नंबर, मतलब सार्वप्रायिक संस्था। इस तरह से जो पार्ट 16 जो विज्ञान के आखिरी पार्ट हैं जो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, इसको हमने हल करा दिया है, भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है लोगों तक पहुँचाइए, और इसको अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू।